हेलो एवरीवन, हम ऐसे हैं। आज हमने जिक्र करना है चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया हुआ तो वो कर लें, लाइक शेयर भी कर दें, आप अपनी मोहब्बतें बांटें, इधर मैं आपको स्कॉलरशिप गाइड करता जाऊंगा। पहले चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। पहले चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी थाईलैंड की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, ये आप देख सकते हैं, और ये वर्ल्ड टॉप 17 में आती है QS रैंकिंग में, ठीक है, और फोर्थ कंजेक्टिव ईयर में आ रही है। बाकी इसमें एकेडमिक्स में इंटरनेशनल प्रोग्राम भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटीज़ वगैरह आपने देखनी हो तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये एकेडमिक्स आके कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन स्टडी है, पब्लिक हेल्थ है, प्रोटोकेमिकल है, इसके अलावा रिसोर्स एक्वाटिक है, कन्फ्यूशियस है, एनर्जी है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी, थाई स्टडी, लैंग्वेज, मतलब ये सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। आपने जो भी ओपन करना आपने देखना हो वो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन स्कॉलरशिप आती है वो आती है एशियन नॉन एशियन, वो मैंने पहले उसके देखी हुई है प्रेस रिलीज से ओपन करके, तो आप देख सकते हैं। ये चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर एशियन एंड नॉन एशियन कंट्रीज़ के लिए, इसमें सेकेंड सेमेस्टर में भी एडमिशन मिल जाता है, अप्लाई वगैरह होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकता है, ठीक है। नीचे आते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। चूला लॉन्ग कॉइन अंडरटेकिंग, अच्छा जो भी है, ये 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है, 3 ईयर डॉक्टरल प्रोग्राम है। एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। स्कॉलरशिप की डिटेल को ओपन कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है उसको एक नज़र देखते हैं। प्रोसीजर में एप्लीकेशन मस्ट सेंड अ कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द फैकल्टी। अच्छा, इसका ये सीन होता है कि ना फैकल्टी के QR कोड होते हैं, अपने फैकल्टी के जो आई एस होते हैं उनको ईमेल्स वगैरह करनी होती हैं। बाकी थोड़ा डिटेल में रिव्यू करते हैं तो वो चीज़ों का आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेंट मस्ट बी स्क्रीन एंड रिक्रूटेड बाय द फैकल्टी प्रोग्राम ऑफ द चॉइस बिफोर देयर नेम्स आर फॉरवर्ड टू द ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर। जो मैं आपको बात बता रहा था कि फैकल्टी करती है तो वो यही कर रही है। और जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए नवंबर 13 है और नो लेटर देन मई 13, ये नेक्स्ट इनटेक की बात हो रही है। तो अगर आपने चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी वगैरह नहीं किए तो कर लें, ये थाईलैंड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं जो हमने डाउनलोड की हैं फाइल्स। अच्छा जी, ये लगता है कुछ और ही और डाउनलोड हो गया एप्लीकेशन। स्टेप देखते हैं, अच्छा आप ये देखें, स्टेप टू बी टेकन इन अप्लाइंग फॉर द एशियन एंड नॉन एशियन चेकिंग द प्रोग्राम। पहले आपने वही बात, पहले प्रोग्राम चेक करना होता है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ फैकल्टी प्रोग्राम, मैंने आपको पहले फैकल्टी में आपने करनी है, देन डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो आप बता चुके हैं, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। यह इसका सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि कॉमन एक जो भी होती है स्कॉलरशिप उसका यही होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, स्कॉलरशिप डिटेल को ओपन करते हैं, स्कॉलरशिप डिटेल क्या है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं स्कॉलरशिप की डिटेल, चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जब मैंने अप्लाई करना था तो मेरा प्रोग्राम की वो डेडलाइन गुजर चुकी थी, अल्टीमेटली रात को 12 बजे के थे, मैं नेक्स्ट डे मुझे पता लगा था तो वो मुझे परमिशन नहीं मिली थी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की। तो आप देख सकते हैं इसे चूला लॉन्ग कॉइन यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन अ लीडिंग रोल, जो भी है, टर्म और स्कॉलरशिप 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है और 3 ईयर डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम है। इसके अलावा स्कॉलरशिप विल कवर द इकोनॉमिक क्लास राउंड ट्रिप टिकट है, एक्चुअल पेड है, इट शुड बी नोटेड दैट स्टूडेंट फ्रॉम एशियन एयर फेयर, मतलब वो कहते हैं कि 8,500 भर से इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो एशियन के लिए हैं वो कहते हैं जी 12,000, इधर ऊपर भी उन्होंने एशियन लिखा हुआ है, नीचे भी एशियन लिखा हुआ है, आई थिंक देर इज़ अ मिस्टेक। फिर होते हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से हैं तो उसका ये है, साउथ अफ्रीका से है तो ये है, जो भी है। अच्छा, आप देख सकते हैं मंथली स्टाइपेंड एंड अकोमोडेशन अमाउंट जो है 16,000 भट है, वो आप खुद ही PKR में कन्वर्ट करनी हो वो खुद आप देख सकते हैं। टर्म ऑफ स्कॉलरशिप कैन नॉट एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा, जो भी स्कॉलरशिप है नॉट अलाउड टू डिफर द पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस वंस द स्कॉलरशिप हैज़ बीन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी, नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट एनी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वही स्कॉलरशिप के दौरान कोई जॉब शॉप वाला सीन कोई नहीं है इनका। अच्छा, उसको एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं, अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो एशियन और नॉन एशियन कंट्री से,
faculty member research academic staff will return to teach work at their homework university after graduation for Chulalong University of Prefer. ठीक है, ये इन्होंने कहा इसको प्रेफर किया जाएगा. Students from Asian non-Asian countries who have been studying in any program at Chulalong University of more than one semester are not eligible to apply for this scholarship. अच्छा, application have completed bachelor degree or master degree in field related to the field which they are applying. जारी सी बात है. Application must have obtained grade point not lower than CGPA की बात हो रही है, 2.75 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी. अच्छा, उसके अलावा कहते हैं जी कि 40 ईयर से अब एज ना हो. उसके अलावा जी एप्लीकेशन है गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, टॉफल स्कोर चाहिए, इन्होंने आइट स्कोर रिक्वायर्ड है जी इनका. एप्लीकेशन मस्ट बी इन गुड हेल्थ, ये तो जारी सी बात है. डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं हम, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 1 inch फोटोग्राफ, CV आ गई, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ गया, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन आ गया, फोटोकॉपी ऑफ द एप्लीकेंट पासपोर्ट आ गया, 2 letter ऑफ रिकमेंडेशन आ गए. अच्छा, और मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, ये तो ऑफकोर्स होता ही है. इसके अलावा एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि एप्लीकेशन मस्ट सेंड अ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द फैकल्टी प्रोग्राम. जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपने फैकल्टी जो प्रोग्राम है आपका उसने प्रोग्राम पे जाना है, वहाँ पर फैकल्टी होगी, फैकल्टी की आपने ISO की ईमेल देखनी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो जो आ रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट एक ही फाइल में उसको भेज देने हैं सारे. ठीक है, ये सारे उन्होंने डेडलाइन वगैरह दी हुई है. ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला इधर जाके हम डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इस इधर का क्या सीन है, इसमें क्या आता है. ये आ गया जी एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म में देखें जी, वो ये सिंपल सा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, होम एड्रेस है, इसके अलावा बैचलर डिग्री है, वही सिंपल सी चीज़ें हैं. ठीक है, वो फैकल्टी कौन सी है, कौन से सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन है आपके पास, प्रीवियस स्कॉलरशिप फॉलो कोई ले तो चुके हैं, आई अप्लाइंग फॉर द चुलालोंग यूनिवर्सिटी, वो सारी बात आप एशियन नॉन एशियन के लिए कर रहे हैं तो वो आप इधर चूज़ कर देंगे. लिस्ट ऑल द अकेडमिक और द पोजीशन यू हेल्ड आई मीन होल्डिंग करंटली, पहली को पोजीशन तो नहीं आपके पास है, विजिटेड और लिव्ड एनी कंट्री अदर देन विच यू आर रेजिडेंस, ये आपने फिल कर देना. हेल्थ इंश्योरेंस का पब्लिकेशन है तो वो प्रपोज स्टडी प्लान आपने वो इधर लिख देना अपना. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन की ये आपने इधर पुट कर देनी है अपनी. प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग जो जो भी है इधर आपका वो आपने पुट कर देना है. ठीक है, और ये साइन करके ISO को आपने भेज देनी है सारी, ये वाली सारी चीज़. ठीक है, अच्छा ये कुछ बेसिक जो नीड्स थी वो सारी डिस्कस हो चुकी हैं. फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें लाजमी अप्लाई करें. आइट्स और आई थिंक VBR इसका आपने चेक कर लेना कि अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चल सकता है तो वो ज़रूर चला दें, और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आपके पास वो कहते हैं ना कि UK और ऑस्ट्रेलिया में ये एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देने के पैसे नहीं है सारा कुछ, तो स्कॉलरशिप का मिस ना करें. हम क्या करते हैं, हम चाइना, थाईलैंड और ये दूसरे थोड़े जो मुल्क हैं या मतलब UK के लेवल पे नहीं है तो हम स्किप कर जाते हैं, तो इसको स्किप ना करें, यही आपके लिए फ़ायदा है. फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अगेन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.